बैठमा थाना क्षेत्र में शराब के अवैध परिवहन की सूचना लगातार मिल रही है। शराब के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते बीती रात 7,50,000 से अधिक के अनुमानित कीमत की 145 पेटी अवैध शराब बैठमा पुलिस ने जब्त की है। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि बीती रात को मुखबिर सूचना मिली थी कि धार की ओर से एक वाहन लोडिंग पिकअप में अवैध रूप से शराब लेकर इंदौर की ओर जा रहा है। बैठमा पुलिस ने नजर रखकर उक्त वाहन को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। जब वाहन रोकने की कोशिश की गई तो वाहन चालक तेज गति से इंदौर की ओर ले जाने लगा, जिसका पीछा कर ग्रैंड मचाल के पास वाहन रोका तो दोनों आरोपी अलग अलग दिशा में कूद कर खेतों में भागने लगे, जहां फोर्स की मदद से घेराबंदी कर वाहन को बमुश्किल पकड़ा। वहीं दूसरा व्यक्ति इंद्र का फायदा उठाकर खेतों में होता हुआ जंगल की ओर भाग गया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।